दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं बच्चों की तरफ। बच्चे यहाँ पर जो सैर सपाटा वो कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा इधर अमरूद का दरख्त एक लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा फल पड़ा हुआ है। और इधर अगर आपको दिखा दीजिए, बच्चे गुब्बारे के साथ ना फेरियाँ कर दिए, ये देखो। और ये सामने छप्पड़ है, पूरे इस अजीजपुर गाँव के जो पानी है वो इस छप्पड़ में आता है। ये तकरीबन कोई 30 कनाल के रकबे का ये छप्पड़ था अभी यहाँ पर, यहाँ तक ये जो कोना ना, ये कोना, ये यहाँ तक अभी यहाँ से मिट्टी डाल डाल कर लोगों ने अपना जो खाता वो आगे को बढ़ा लिया होगा। और यहाँ पर गोबर वगैरह पाथते हैं और ये दरख्त लगाए हुए हैं ताकि आगे से ज़मीन जो है वो रुड़े ना। तो ये भी थोड़ा सा रह चुका है, ये जब आस्था आस्ता ख़त्म हो जाएगा मिट्टी डालने के बाद, तो भाई लोगों के गटरों के अंदर जो पानी है ना वो घरों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है जब जगह नहीं बचेगी यहाँ पर तो फिर क्या करना है, जगह बचेगी पानी के लिए तो छप्पर का जो पानी है वो इसमें समाया कि जब जगह नहीं होगी तो पानी के लिए जाएगा फिर। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, थोड़ा सा चौड़ा ये जो आगे है ना वो आगे यहाँ से क्लोज होता होता सारा क्लोज हो चुका है। और ये दरख्त सफ़ेदे के, ये इससे बोलते हैं बने का दरख्त, ये बने का दरख्त यहाँ पे उग चुका है। दिल तो कह रहा है कि वहाँ पे जाऊँ, वो जहाँ पर आपको टहनी नज़र आ रही है वहाँ पर, लेकिन भाई नहीं, ऐसा ना हो गिर जाऊँ, मोबाइल भी पानी में डूब जाए और मैं भी डूब जाऊँ। तो बच्चे चढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ से होते हुए चढ़ते हैं, और जो मछलियाँ वो पकड़, यहाँ पर मछली बहुत, हाँ यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मछलियाँ देसी मछलियाँ हैं और इतनी ताकतवर मछलियाँ हैं ना कि अगर 100 साल का बूढ़ा भी खा ले तो वो जवान हो जाए एक दो रात के लिए। तो ये है अपना तय घर है, ये यहाँ पर ये सारा जो है वो किया हुआ है, ये आपके सामने है भाई।